बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने स्टार भी लगाया हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में प्रूव करने को आता है। और इसके बेस पे कंपटीशन पे या तो एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे इन्फिनिटी वाला जो मैं करवा रहा हूँ एक दो लेक्चर से, या उनमें से आएंगे, या आज के लेक्चर में से और अगले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। किसी भी कॉम्पिटिशन में ये टाइप के क्वेश्चन आने ही हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट पढ़ते हैं, बस ये एक रिजल्ट है, आज की क्लास का आखिरी रिजल्ट है, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे, जितनी बची हुई क्लास है कुछ नहीं करना, बस इसी छोटे से टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन की एप्लीकेशन है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें प्रूव करना है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E वो माइनस dV बाई डी आर के इक्वल है। dV का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, कि अगर मैं dr डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल है dV। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, या फिर इसको ऐसे प्रूव करने को आता है एनसीईआरटी में, प्रूव करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बाई dr को क्या नाम दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, कि जितना पोटेंशियल चेंज हुआ अपॉन कितनी लेंथ में चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन का क्यों प्रूव करने हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पहले एक बेसिक स्टेप से इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा अलग अलग प्रॉब्लम्स में कि इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। इसको करने के लिए इमेजिन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पी की तरफ है, मान लो इमेजिन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो कहां पर, इसके अलोंग, इस डी आर के अलोंग, ये यहां पे, ठीक। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है स्मॉल आएगा, क्योंकि डिस्प्लेस जो दो पॉइंट्स ले रहा हूं मैं ओ और पी डैश, उनके बीच में दिस इज वेरी वेरी, ये पूरा डी आर है, दिखाने के लिए बहुत बड़ा बनाया लेकिन एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ओ और पी डैश मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लिए इसके अलाउंग, डी आर डिस्टेंस अपार्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस छोटा निकलेगा डीवी लिखना पड़ेगा। वो क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए डीवी लिखना पड़ेगा क्योंकि डी आर इज स्मॉल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन की थी माइनस ई डॉट डी आर, हमने इंटीग्रेशन भी लगाया था, इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब लेंथ बड़ी हो जाएगी, पर हमने लेंथ तो बड़ी ली नहीं, हमने डिस्टेंस छोटा ही लिया, तो मैं छोटा पोटेंशियल डिफरेंस ही लूंगा कितना डीवी। तो ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, पहले स्टेप में मैंने सीधी डेफिनेशन यूज की है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी क्या होता है, ई डॉट माइनस ई डॉट डी आर, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की एज इट इज डेफिनेशन को यहां पुट कर दिया। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ओपन करें, डॉट प्रोडक्ट है, तो ई और डी आर में डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, तो ई डी आर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डी आर इज थीटा, ये स्टेप क्लियर है। डीवी के नीचे डी आर ले आया मैं, माइनस ई डी आर इज ई कॉस थीटा, या ई कॉस थीटा इज माइनस डीवी बाई डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये एक्चुअल रिजल्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्रूव तो कुछ और करना था, प्रूव करना था ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और मैंने क्या प्रूव कर दिया, ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। आपकी जो एनसीईआरटी है वो ये प्रूव करने को देती है, एनसीईआरटी में ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें वो ये मानते हैं कि जिस तरफ ई है उसी तरफ डी आर है, मतलब वो ये चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट वही निकाले जिस तरफ क्या जा रहा है, ई वेक्टर जा रहा है। अब हमने कैसे निकाला, ई वेक्टर इस तरफ है डी आर इस तरफ है, हमने एंगल थीटा लिया, एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि इसी डायरेक्शन में निकाल के दिखा दो, तो ऑब्वियसली ई और डी आर अगर एक ही डायरेक्शन में, तो बोलो थीटा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो के लिए ई कॉस जीरो क्या हो जाएगा, ई आंसर। अब ये तो जरूरी नहीं ना कि आप पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उसी डायरेक्शन में निकाल लें जिस डायरेक्शन में ई है, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जो कि ई के साथ नहीं देता, दो पॉइंट कहीं और दे देता है, फिर रिजल्ट फेल हो जाएगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा, ई कॉस थीटा इज माइनस डीवी बाई टी आर। ये स्टेप समझ में आ रहा है कि एक्चुअल यही फॉर्मूला है, एक्चुअल में यही होना चाहिए, होना यही चाहिए ई कॉस थीटा इज माइनस डीवी बाई टी आर। वो अलग बात है कि स्पेशल केस हमें कोई देता है कि ई एंड डी आर आर इन सेम डायरेक्शन,
फिर तो हम जीरो पुट कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर ई कॉस थीटा लेंगे। तो आप एक काम करना, आप सारा ही प्रूव कराना और एंड में एक स्पेशल केस निकाल आना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें, सिवा इसके कि ये टॉपिक बताने की क्या कोशिश कर रहा है, मतलब हुआ क्या इससे? फील्ड वेक्टर है, थोड़ी देर में बताऊंगा इसके एप्लीकेशन में बताऊंगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, पीछे ना लगेगा कैप, लगेगा एन कैप लगेगा पीछे एक्चुअल। अगर वेक्टर एक्चुअली ये ना वैल्यू लिखी है मैंने, वैल्यू वैल्यू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा देता हूँ तो पीछे फिर एन कैप लगाना पड़ेगा, आई कैप या जे कैप जो भी है। अभी प्रॉब्लम में करके दिखाऊंगा, अभी मैग्नीट्यूड के साथ ही काम कर लिया। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? पहले ये बताओ, सिवा इसके मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है रिजल्ट। देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये गिवन है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसी के ऊपर आज का लेक्चर बेस्ड है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि अगर आपके पास ये लेट अस सपोज अर्थ है, ग्रेविटेशन में चलते हैं, अर्थ है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल आपने सुना हुआ है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा? अर्थ का मास एम है, बोलो, माइनस जी एम बाय की माइनस जी एम एम बाय आर, नहीं एम बाय आर, क्योंकि एम एम में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ये थोड़ा बहुत याद होगा कि पोटेंशियल का ऐसा कुछ किया करते थे, फॉर्मूला नहीं याद होगा, कम से कम इतना तो याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के आगे माइनस साइन लगता है। चलो इतना ही बहुत है मुझे बस। तो अर्थ के पोटेंशियल नेगेटिव में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल पॉजिटिव में आते हैं। तो जैसे यहां पर अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कैपिटल आर पुट किया जाए इसकी जगह, तो पोटेंशियल आता है मान लो 10, माइनस 10। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2 एंड सो ऑन। कोई बताएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 10, बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है और पोटेंशियल भी बढ़ता है। अच्छा ये बताओ कि ग्रेविटी की फोर्स कहां लगती है? नीचे की तरफ। तो ई का फॉर्मूला अगर किसी को याद हो अर्थ की वजह से, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव होता था, ई पॉजिटिव होता है, वी नेगेटिव होता है अर्थ में। चलो इन एनी केस ये तो समझ में आ ही रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कहां है? टूवर्ड्स सेंटर। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में नीचे मूव करता हुआ आता हूं, तो कोई बताएगा कि मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? वी की वैल्यू क्या हो रही है इसमें? डिक्रीज हो रही है। तो ये रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू है कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर हम ग्रेविटी की तरफ मूव करना शुरू करें, हमारा वी बढ़ेगा नहीं नीचे आते हुए, उल्टा क्या होगा? कम होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी हम फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं पोटेंशियल कभी भी बढ़ता नहीं है, पोटेंशियल हमेशा कम होता है। पहला रिजल्ट क्लियर है? ठीक है यहां तक। मैं सेम चीज को अब करके दिखाता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर दो, मान लो ये एक शीट है या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कुछ भी ले लो, स्फीयर ले लो, कोई बॉडी ले लो, ये बताओ कि इसमें लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेंगी? बाहर की तरफ जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाती जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगा ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, मेरा पहला क्वेश्चन ये बताओ कि कोई भी बॉडी है, ये कोई भी चार्ज है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो मेरी वी की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कितने लोग बोलते हैं बढ़ेगी, कितने बोलते हैं कम होगी? हाँ कम होगी, जितनी दूर चार्ज से जाओगे फील्ड तो कमजोर ही होता जाएगा ना, तो वी भी कम हो जाएगा और इन्फिनिटी पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि ठीक है ना, ये 10 है तो ये 8 है तो ये 6 है ये 4 है, करते 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 जीरो ऐसे होगा। तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, बोलो ऊपर जाते जाते पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? एग्जाम्पल में
कम हो रहे हैं। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो, इसका मतलब फील्ड वहां पर वीक हो रहा है, इसका मतलब वहां पोटेंशियल कम होता जा रहा है। यानी कि आप चार्ज से बहुत दूर जा रहे हो, जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब आप चार्ज से बहुत दूर जा रहे हो, इसका मतलब वहां पर वी कम होता हुआ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसके लिए साइन हम क्या लगाते हैं, माइनस। माइनस मैथमेटिकली क्या शो करता है वो भी बताऊंगा, पर ये समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेस। तो ये रूल समझ में आया, पहले ये देखो कि इसकी वैल्यू कम होती है। तो जैसे सपोज करो, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी के बेस पे, जो आपके कई ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो एक पॉइंट ए है जहां पर वी की वैल्यू 15 वोल्ट है, एक पॉइंट बी है जहां पर वी की वैल्यू 5 वोल्ट हो गई। तो बताओ फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है? ई वेक्टर राइट लें कि लेफ्ट लें? इस तरफ लें। वो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू इधर आते 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 क्या हो रही है, कम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑब्वियसली किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बिकॉज एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम। कोई डाउट इसमें? तो पोटेंशियल का असली यूज अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैं बता ही नहीं पा रहा था डेफिनेशन से। आपको पोटेंशियल की वैल्यूज देख के ये तक मालूम पड़ रहा है कि आपका ई वहां बढ़ेगा या ई वहां पर कम होगा, कि ई की डायरेक्शन बेसिकली क्या होगी। तो ई की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, ई की डायरेक्शन होगी जिस तरफ आपकी वी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज, वहीं आपका फील्ड जा रहा है। ये रूल समझ में आ गया पहले तो। अब दूसरी दूसरी चीज इसके अंदर, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल है, इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव प्रेजेंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहां कंसिडर करूं, तो यहां से यहां से यहां यहां, तो मेरा वी यहां पर कभी भी सेम नहीं होगा। यहां पर जितना भी वी होगा, अगले पॉइंट पर वी इससे कम होगा, अगले पॉइंट पर और कम होगा, अगले पॉइंट पर और कम होगा। यानी कि एज आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इज डिक्रीजिंग। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? कोई अगर ये पूछ ले कि इस तरफ जाने में वी बढ़ेगा या कम होगा, एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हो कि वी राइट की तरफ कम होगा। ठीक है यहां तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मान लो ये एक्स इज इक्वल टू टू कोऑर्डिनेट है, ये एक्स इज इक्वल टू फाइव कोऑर्डिनेट है, और यहां पर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, वहां पर 12 वोल्ट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ई वेक्टर कहाँ होगा? टूवर्ड्स राइट। मैं बनाना भूल गया, राइट ड्रॉ करो, इसके ऊपर ड्रॉ कर लो, इसके ऊपर ई वेक्टर इज फ्रॉम ए वेक्टर ए टू बी, ई वेक्टर ड्रॉ करो ए से बी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है। अब इसमें ई इज माइनस डीवी बाय डीएक्स। अच्छा हाँ, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीआर हमने किया। अगर मेरी प्रॉब्लम एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं फॉर्मूला बना लूंगा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स। अगर मेरी प्रॉब्लम वाई एक्सिस पे है, तो मैं बनाऊंगा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीवाई। और अगर जेड एक्सिस है, जहां पर ई वेक्टर चल रहा है, तो वहां पर ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीजेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस चल रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट ले लिए। मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को आपने यूज कैसे करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, इधर ई इज माइनस डीवी बाय डीएक्स में क्वेश्चन है फाइंड ई, लिख लेना यहां पर क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, फाइंड ई लिख लेना क्वेश्चन, लिखा है इसमें फाइंड ई। करें स्टार्ट। ई के अंदर ये ई का फॉर्मूला यूज किया, डीवी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब मैं ए से बी पे आ रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए से बी। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
तो जब मैं ए से बी पे जाता हूं तो फाइनल पोटेंशियल कितना? 12। इनिशियल पोटेंशियल कितना? 15। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 12 माइनस 15। फिर ध्यान से देखो, मैं ए से बी पे जा रहा हूं, जब मैं ए से बी पे गया तो बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट हो गया। तो फाइनल डीवी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितना? 12। इनिशियल पोटेंशियल कितना? 15। तो ये स्टेप क्लियर है। 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मैं 2 से 5 कोऑर्डिनेट पे चला गया, तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। फाइनल कितना? 5। इनिशियल कितना? 2। तो 5 माइनस 2। ये यूज करना आ रहा है कैसे? ए से बी पे जा रहे हैं तो फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। तो जब आप ध्यान से इस टर्म को देखें, ये टर्म सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू देगी, और नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा? पॉजिटिव। देखो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि वी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो पता है कि आपको ये टर्म नेगेटिव आएगी, तो आपने ऑटोमेटिकली एक साइन क्या लगा दिया यहां पर? नेगेटिव, ताकि वो नेगेटिव एडजस्ट हो, आपकी ई की वैल्यू आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ई की वैल्यू इसमें कैसे निकलेगी? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने